शारदीय नवरात्रि का यह नवमी तिथि जगत जननी माँ भगवती की सिद्धिदात्री रूप में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के रूप में मनाया जाता है। नवमी के इस पावन पर्व के साथ आज पूरे देश और दुनिया में जहाँ कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है वे सब जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के नौ स्वरूपों के प्रतीक स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पूजन की एक पवित्र परंपरा भी है और गोरखपीठ की इस पवित्र परंपरा के अनुरूप इस कार्यक्रम के साथ इस बार भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन नौ स्वरूपों स्वरूप कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सनातन धर्म की यह समृद्ध परंपरा है यह पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे उमंग के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। शक्ति आराधना की प्रतीक आधी आबादी के प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है कि जहां नारी की पूजा होती है उसका सम्मान होता है वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। स्वाभाविक रूप से यही मान्यता जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता रही है कि यत्र नारस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां पर स्वयं दैवीय शक्तियां विराजमान होकर के उन मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं और ये हम सब के लिए यह एक गौरव का क्षण है जब हम शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि में 8 दिनों के अनुष्ठान के उपरांत आज कुंवारी कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ यहाँ गोरखपीठ के साथ में जुड़ रहे हैं।